एकदम बुरी तरह से लीक हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कूलेंट पूरा जमीन पे भी गिर गया है। तो इसको हमने कैसे फिक्स किया आप आगे वीडियो में देख लीजिए। तो अभी हम पहले अपना रेडिएटर निकाल लेंगे, पहले हम इसको खोल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ये रेडिएटर लेके जाएंगे रेडिएटर वाले के पास, जो कि आगे का सारा काम उसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो फैन का जो स्क्रू है वो निकलने के कारण जब भी ये फैन घूमता था पूरा रेडिएटर को चिपक के घूमता था, इस वजह से वहाँ पे वो फैन ने कट कर दिया क्योंकि सारा लीकेज वहीं से आता था। अभी पहले तो इसको ये फैन को निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ से सारा कूलेंट लीक हो रहा था जो कट गया है, एक फैन की वजह से कट गया था वो सारा। तो अभी हम पहले तो रेडिएटर को अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जेल जैसा है यही अपना लीकेज बंद करने के काम आएगा, जो कि अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको पहले, फिर उसके बाद रेडिएटर पर अप्लाई करेंगे। अभी हम जहाँ से कट हुआ है वहाँ पर ये जेल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से सूखने देंगे। ये सूखने के बाद पूरा एकदम रबर कोटिंग जैसा हो जाएगा, फिर वहाँ से वापस दोबारा लीकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये एक बार अच्छे से सूखने देंगे, उसके बाद हम इसको गाड़ी में फिट करके चला सकते हैं। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।